मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म में अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है, ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं जिनका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदू धर्मानुसार मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार मानव किसी भी प्रकार के बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वानर और बंदरों को मनुष्य से अलग माना गया है। मानव की पहले लंबाई, आयु और उसका रूप भिन्न था, लेकिन फिर भी मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी है, बस उसके शरीर पर से बालों की मात्रा कुछ कम हो गई है। जिस तरह वानरों या बंदरों की कई प्रजातियां होती हैं, उसी तरह मानव की भी कई प्रजातियां थी और आज भी उनमें से कुछ विद्यमान है। संसार के इतिहास और सब तंत्रों की गणना पर दृष्टि डालें तो ईसाई संवत सबसे छोटा अर्थात 2018 वर्षों का है। सभी संवतों की गणना करें तो ईसा संवत से अधिक दिन मूसा द्वारा प्रसारित मूसाई संवत 3585 वर्ष का है। इससे भी प्राचीन संवत युधिष्ठिर के प्रथम राज्यारोहण से प्रारंभ हुआ था, उसे 4172 वर्ष हो गए हैं। इससे पहले कलियुगी संवत शुरू हुआ 5117 वर्ष पहले। इब्रानी संवत के अनुसार 6029 वर्ष हो चुके हैं। इजिप्शियन संवत 28669 वर्ष। फिनिशियन संवत 30087 वर्ष। ईरान में शासन पद्धति प्रारंभ हुई थी तब से ईरानियन संवत चला और उसे अब तक 189995 वर्ष हो गए। ज्योतिष के आधार पर चल रहे चाल्डियन संवत को 2,15,087 वर्ष हो गए हैं। खताई धर्म वालों का भी हमारे भारतीयों की तरह ही विश्वास है कि उनका आविर्भाव आदि पुरुष खता से हुआ। उनका वर्तमान संवत 8,88,40,388 वर्ष का है। चीन का संवत जो उनके प्रथम राजा से प्रारंभ होता है वह और भी प्राचीन 9,60,02,516 वर्ष का है। अब हम अपने वैवत्सु मुनु का संबंध लेते हैं जो 14 मनमंत्रों में से एक है। उससे अब तक का मनुष्योत्पत्ति काल 12,12,05,33,117 वर्ष का हो जाता है, जबकि हमारे आदि ऋषियों ने किसी भी धर्मानुष्ठान और मांगलिक कर्मकांड के अवसर पर जो संकल्प पाठ का नियम निर्धारित किया था और जो आज तक ज्यों का त्यों चला आता है, उसके अनुसार मनुष्य के आविर्भाव का समय 1,97,29,449 वर्ष का होता है, जबकि 1,96,08,53,118 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति को बहुत विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की आयु कुल 14 मनवंतर की होती है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है। इस तरह 6 मनवंतर में 1,84,03,20,000 होते हैं। 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी है और यह 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है, जिसके 5,119 वर्ष बीत चुके हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। पहला सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का है, दूसरा त्रेतायुग जो 12,96,000 वर्षों का होता है, तीसरा होता है द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का और चौथा कलयुग 4,32,000 वर्षों का। कुल मिलाकर के एक चतुर्युगी में वर्ष की संख्या 43,20,000 वर्ष हुई। इस प्रकार से 6 मनवंतर सहित 7वें मनवंतर के बीच चुके काल को जोड़ने के बाद 1,96,08,53,119 वर्ष होते हैं। इसका मतलब यह कि इतने समय पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।